और जैसा हम लोग का बहन को जो इधर उधर लेके कुत्ता के जैसा घसते है या कि बेविचार में उसको भी अरे वो क्या है वैसा हम लोग उसको भी और लड़का को भी पूरा नंगा निकाल लेंगे उसको भी रोड में घुमाएंगे उसको कैसा लगेगा इंसान के होने के नाते वो कुछ नहीं समझा है वो जंगल का जंगल उसका बहन नहीं है जो किया है उसका उसका मां नहीं है जो ऐसा किया है क्या काम कर रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं वो हिंसा और बलात्कार की घटना के बाद उनका मुंह में क्या सीआर का लेड़ी लगा हुआ है बहुत गलत कर रहे हैं हमारे बहन बेटियों के साथ में मणिपुर में और वहाँ के बेशरम मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है क्यों नहीं उस मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त किया जाता मणिपुर की घटना को लेकर आज पूरा देश शर्मिंदा है इसको लेकर देश के हर एक इंसान में आक्रोश भरा हुआ है इस घटना को लेकर झारखंड के आदिवासी लोगों में भी बहुत आक्रोश देखा जा रहा है वहीं आज रांची के अल्बर्ट का चौक पर इस घटना को लेकर मसाज जुलूस भी निकल गया वहीं मसाज जुलूस में आए एक युवक ने मणिपुर घटना पर बोलते हुए अपना आंसू नहीं रोक पाया ये विरोध प्रदर्शन हम लोग भाजपा आरएसएस की पूंजीवादी सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन आज कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर में 88 दिन के आसपास हो गया है हिंसा होते हुए 80 दिन से ऊपर हो गया है ये अमित शाह क्या घोरनी का मुर्गी का घोरनी में बैठे हैं क्या अंडा से रहे हैं ये गृह मंत्री है रोज इनको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मिलता है और ये नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है कहते नहीं थकते हैं आदिवासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं वो हिंसा और बलात्कार की घटना के बाद उनका मुंह में क्या सीआर का लेड़ी लगा हुआ है अभी तक उनका मुंह में क्या सीआर का लेड़ी लगा हुआ है कि उनका कुछ जबान से बात नहीं निकल रहा है सुप्रीम कोर्ट जब उनको डंडा किया तब मणिपुर का मां निकलता है उनके ऐसे और कहते हैं कि आदिवासी हम लोग राष्ट्रपति बनाए हैं बहुत गलत कर रहे हैं हमारे बहन बेटियों के साथ में मणिपुर में 3 तारीख को जब ऐसी घटना घटी जो कि पूर्व सुनियोजित था इस सरकार के समर्थन से और मणिपुर प्रशासन के सहयोग से किया गया और इस घटना में अभी तक 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो चुका है 5 महिलाओं की हत्या हो चुकी है और वहाँ के बेशरम मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है क्यों नहीं उस मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त किया जाता है आखिर क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता है इसलिए बर्खास्त नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी मूक सहमति है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की घटना को अंजाम देने में मूक सहमति है वहाँ के चर्चों को जलाने में इनकी मूक सहमति है क्योंकि अगर ये बीरेन शाह को इस्तीफा देंगे तो वो बता देंगे कि उनका मालिक ही तो उनको बुला है कि ये सब काम करो और हम कहना चाहते हैं कि कुकी डीजीपी को हटाया गया ये घटना घटने के समय में कुकी डीजीपी को क्यों हटाया गया इसका जवाब आदिवासी समाज जानना चाहता है और आदिवासी समाज जानना चाहता है 80 दिन से जो हमारे आदिवासी विभिन्न राहत कैंप में रह रहे हैं जंगल और पहाड़ में छिप के रह रहे हैं उनको दवा का पानी का उनको अस्पताल का ये सब सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है क्यों कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं उनसे मिलने जा रहे हैं क्या वजह है वो जंगल में हमारे लोग 60,000 से ज़्यादा फंसे हुए हैं और ये 7 बहनों का शहर 7 बहनों का राज्य मणिपुर पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो संवेदनशील जगह है इन लोगों ने पूरा गड़बड़ी फैला दिया है राष्ट्र के लिए बहुत घातक है राष्ट्र के लिए बहुत घातक है देशभक्त आदिवासी समाज उसमें एक ऐसी महिला के साथ बलात्कार किया गया उनको नंगा घुमाया गया जिनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी है आज कारगिल विजय दिवस है आप कारगिल विजय दिवस है लेकिन जो आदिवासी लड़ाका कारगिल का युद्ध में भाग लिया शांति समिति के रूप में जो श्रीलंका में भाग लिया उनकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया है उनकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया है हमारी आदिवासी माँ बहनों के साथ इस तरह से किया गया है जो कि स्वीकार्य नहीं है झारखंड में जो भी आदिवासी समाज के नेता जो भाजपा से जुड़े हुए होशियार हो जाए सतर्क हो जाए आप लोग सरनाई साई की बात ना करें आप लोग ये नहीं करें कि आप कुड़मी और बाकी लोगों को समुदाय को आदिवासी जबरन बनाने का प्रयास नहीं करें झारखंड में भी इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है जहां आदिवासी बहु बेटियों के साथ मां बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है जिंदा जलाया जा रहा है काटा जा रहा है आप इस घटना की तुलना मणिपुर की घटना से नहीं कर सकते 80 दिन से अहबाब हो गया है मणिपुर के लोग भागे भागे फिर रहे हैं जंगल में रह रहे हैं उनको काट काट के वहाँ 18 महिला के साथ में ऐसा किया गया है 5 महिला को मार डाला गया है नंगा घुमाया जा रहा है उनके शरीर से खिलवाड़ किया जा रहा है जो बहुत बीभत्स घटना है और 140 से ऊपर लोगों की हत्या हो चुकी है सरकार के निर्देश से
वहाँ के मनुवीर प्रशासन के मिली भगत से 6 लाख गोलियों को बांटा गया है और लाइट मशीन गन, ऑटोमेटिक राइफल और आपका जो भी SLR वगैरह जो भी है सबको बांट के उनकी हत्या की जा रही है। न केवल आदिवासियों की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके संपत्ति छीनी जा रही है और बहन बेटियों के साथ हैवानियत दरिंदगी की जा रही है। महिला है, हम लोग के लिए बहुत हो, हम लोग को जैसा किया है वैसा हम लोग भी करने के लिए, हम लोग तो बहन को बहने हैं, हम लोग का एक दिल का टुकड़ा है। एक दिन गए मणिपुर में हुआ, एक दिन हम लोग में होगा तो हम लोग और लोग को कितना दर्द लगेगा। उसका बहन नहीं है जो किया है, उसका उसका मां नहीं है जो ऐसा किया है, इसलिए हम लोग को बहुत दर्द है हम लोग का दिल में। इसलिए हम लोग वही ये करके हम लोग मणिपुर में जो दुख हुआ है वहाँ नहीं बल्कि हम लोग का दिल में भी दुख हुआ है, उसी के लिए हम लोग रैली आए हैं। और हम लोग जब तक इसका जब छानबीन नहीं होगा, जब तक वो लोग नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग रैली निकालते रहेंगे। और जैसा हम लोग का बहन को जो इधर उधर लेकर कुत्ता के जैसा घसते है या कि बेविचार में उसको भी वो किया है, वैसा हम लोग उसको भी वो लड़का को भी पूरा नंगा निकालेंगे, उसको भी रोड में घुमाएंगे, उसको कैसा लगेगा इंसान के होने के नाते वो कुछ नहीं समझा है, वो जंगल का जलवा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।